بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. आज का ये वीडियो तमाम बहन बेटियों के लिए है. जितने भी धर्म के मानने वाले हैं सभी बहन बेटियों के लिए ये वीडियो है. देखिए सुरेश चौहान के किस तरह ये मुसलमानों की लड़कियों को ये बता रहा है कि तुम हिंदू लड़के से शादी करोगी तो तुमको 40 बच्चे पैदा करना नहीं पड़ेगा, तुमको तलाक की जरूरत नहीं पड़ेगा. जबकि आप और हम जब देखेंगे तो ये लोग ही इसमें ही ज़्यादातर तलाक होता है और ज़्यादातर ये लोग बच्चे पैदा करने की बात कर रहा है. और हम लोगों में इस तरह का मामला नहीं है. जिसकी मर्जी जितना बच्चा पैदा कर ले वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बच्चा पैदा कर सकते हैं, आपके सहूलियत कितना है. तो इस तरह का हम लोगों के साथ होता है. मगर ये किस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह नफरत फैला रहा है आप इस वीडियो में देखेंगे. मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा. सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें फिर आगे मैं बात करता हूँ. हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा, तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40-40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे. हाँ मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी. तो आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया किस तरह ये सुरेश चौहान के ये बता रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कियां जो हो तुम हिंदू लड़कों से शादी करो, तुमको ये सब तलाक और ये 40 बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और एकदम झूठ बोल रहा है. मेरी जितनी भी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही है आप लोग ध्यान दें, ये जो लोग हैं ना ये सिर्फ नफरत फैला रहा है और बिल्कुल गलत बात बोल रहा है. इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन ये लोग फेक न्यूज चलाने की वजह से ये सब ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. और रही बात जब इसका एक फेक न्यूज चलाया था सुरेश चौहान के का, जो इसकी बीवी किसी के साथ भाग गई है, तो इसको बहुत बुरा लगा था. क्यों? और भी सुनने वाला लोग है जो इसके ताल्लुक से फेक न्यूज चला सकता है, मगर इस तरह का हरकत करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए. लेकिन समझना इसको चाहिए कि ये इस तरह का जो हरकत करता है तो क्या दूसरा भी कर सकता है ना. तो ये चौहान ने इस तरह बात करता है चौहान के, तो ये बहुत गलत बात है. मेरी जितनी भी बहन बेटियां जो इस वीडियो को सुन रही हो, तमाम जितने भी जो भी मजहब से ताल्लुक रखती हो आप लोग, तो ऐसे लोगों के बातों में ना आए. आप देखिए अब ये यति नरसिंहानंद जो है ये भी बोलता है, ये क्या बोलता है, ये अपने हिंदू लड़कियों के बारे में बोलता है कि तुम लोग ज्यादा बच्चा पैदा करो, तो इस तरह की बात बोलता है. ये जो चौहान है, चौहान के है जो, ये मुस्लिम लड़कियों के लिए बोलता है और ये जो है हिंदू लड़कियों को बोलता है. अब ये क्या समझ रखा है, हिंदू मुस्लिम बहनों को क्या समझ रखा है ये लोग, सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है. तुम लोग नफरत करना छोड़ दो. और जितने भी भाई बहने जो भी है हमारे भारत के, सब लोग एक साथ और अच्छे से रहना चाहते हैं. तुम लोग नफरत फैलाकर बहुत ही गलत कर दिया है. और जितने भी हमारे बहन बेटियां माँ बहनें जो भी हमारे भाई भी है इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये लोग नफरत पैदा करने के लिए ही पैदा हुआ है, नफरत बोलने के लिए ही पैदा हुआ है. तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए. नरसिंहानंद का भी ये वीडियो आप क्लिप सुन लीजिए किस तरह ये बताया है. हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें, और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते. परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, और साथ ही साथ बच्चे ज्यादा पैदा करें हिंदू. आप लोगों ने सुन लिया इस वीडियो को भी, देखिए किस तरह ये यति नरसिंहानंद किस तरह हिंदू लड़कियों से भी बोल रहा है कि तुम बहुत सारे बच्चा पैदा करो. अब कहने का मतलब है ये लोग जितने भी धर्म का ठेकेदार बना हुआ है, ये लोग कुछ और बोलता है और इधर कुछ और बोलता है, सभी लोग अलग अलग तरीके की बात करता है. तो क्या सिर्फ जो लड़कियां जो है या मुस्लिम हो या हिंदू हो या किसी भी धर्म के मानने वाली हो, क्या वो सिर्फ मतलब तुम लोग का इस्तेमाल के लिए बनी है, तुम्हारे मर्जी से चलेगा सब लोग? तो आप लोग ऐसे लोगों के बातों में ना आए. आप लोग की मर्जी है, आप अपनी जिंदगी अपने मर्जी से गुजारे और अच्छे से गुजारे, किसी के मतलब ये नफरती भाषा में आप लोग नहीं आए. चलिए ठीक है, तो अभी आप लोग एक मैं वीडियो क्लिप सुनाऊंगा जो हमारे मौलाना है एहसान रजा कादरी साहब जो श्रीलंका से है, आप उनका क्लिप सुनिए और किस तरह बेहतरीन अच्छे अंदाज में बताए हैं. और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. معزز سامعین, اللہ تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ان تمام باتوں میں حکمتیں ہیں, چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے.
अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, मुशरिकीन औरतों से निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना लाए। और ये भी फरमाया, वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु, और मुशरिक मर्दों से निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना लाए। अब क्या पता चला, मुशरिकीन के साथ निकाह करने को अल्लाह ने मना फरमाया तो इसका मतलब यकीनन इसमें खराबी है। फिर अल्लाह ने यह भी फरमाया, वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, जो बांदियां होती है और ईमान वाली वो आजाद मुशरिक औरतों से बेहतर होती है। वला अब्दुम मुमिन खैरुम मिन मुशरिक, कि वो बंदा वो शख्स जो गुलाम है और मोमिन है वो आजाद मुशरिक से बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया, प्यार और मोहब्बत के नाम पर हमारी बहनें गैरों की तरफ माइल हो जाते हैं। और होता क्या है, ये भी मुशाहिदे में है, देखा गया है, तजर्बा शुदा है, कुछ दिनों के बाद वो इन लड़कियों को छोड़ देते हैं मोहब्बत के नाम पर, तहाइफ गिफ्ट्स वगैरह पेश करके इनको माइल करके शादी कर लेते हैं। कई जगहों पे तो ऐसा होता है कि लड़की इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को कबूल कर लेती है। चूंकि उन लोगों की साजिशें भी शामिल होती है तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद जितना फायदा उठाना होता है फायदा उठा लिया, उसके बाद इनको छोड़ देते हैं और वो बच्ची फिर कहीं की नहीं रहती। 3 दिन बाद इन्होंने मुझे मारा और बोला कि मैंने एक मुस्लिम लड़की से मुझे बदला लेना था, कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं और मुझे बदला लेना था, इसलिए मैंने तेरे से शादी की। मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। शादी साथ में पहले हुई थी, वहाँ पे मंदिर में हुई थी शादी, फिर उसके बाद में ये हमारे साथ रहने लगा, रहते रहते फिर उसके बाद में परसों हमको छोड़ के भाग गया। हमको खाली बुलवा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए, दूसरी शादी के चक्कर में पड़े। हमें ये चाहिए कि हम ये ना देखे कि हमारा दिल इनकी तरफ माइल हो चुका है, बल्कि ये देखे कि हमारे रब ने हमसे क्या फरमाया है। अल्लाह ने ये फरमाया कि मुशरिकीन से निकाह ना करो, मर्द मुशरिका औरत से निकाह ना करे और औरत मुशरिक मर्द से निकाह ना करे। ये जब अल्लाह ने फरमा दिया तो यकीनन इसमें हिकमतें हैं। तो हमें अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना चाहिए, उसको दिलो जान से कबूल करना चाहिए। अच्छा, फिर कुछ लोग जब अपने ईमान से ही हाथ धो बैठते हैं, उनके मजहब को कबूल कर लेते हैं और उसके बाद वो लोग जब छोड़ देते हैं इसलिए कि साजिश के तहत जब है तो एक ना एक दिन छोड़ना तो है, तो अब क्या होता है, इस्लाम से भी दूरी और शादी वाली जिंदगी से भी दूरी, जबकि वो शादी है ही नहीं, निकाह है ही नहीं। क्यों, जब अल्लाह ने मना फरमा दिया तो गैर से निकाह करने की सूरत में निकाह ही नहीं होगा। जब निकाह नहीं तो कौन सी शादी की हम बात कर रहे हैं। एक तो ईमान से हाथ धो बैठे, फिर सोसाइटी में भी हमारा नाम खराब हो जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश है खासकर हमारी माँ और बहनों से कि आप अपने अंडर में जितनी बच्चियां हैं उनकी सही देखभाल करें। और इसी तरह बापों से भी मेरी गुजारिश है, भाइयों से भी गुजारिश है कि वो अपनी बेटी और अपनी बहनों की अच्छी तरबियत करें। इसी तरह आपके घर में जो लड़के हैं उनकी भी अच्छी तरबियत करें, इस्लाम के दायरे में रहकर काम करें, इंशाल्लाह बहुत सुकून मिलेगा। और हम अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को छोड़कर अगर कोई फेल करते हैं तो नुकसान के अलावा और कुछ नहीं। अल्लाह ने फरमाया, असा अन तकरहू शैअ वहुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअ वहुवा शर्रुल लकुम, जिसका मफहूम यह कि कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम नापसंद करते हैं लेकिन हकीकत में वो हमारे लिए अच्छा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम पसंद करते हैं लेकिन हमारे लिए हकीकत में वो अच्छा नहीं होता। वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून, अल्लाह बेहतर जानता है, आप नहीं जानते आपके लिए क्या बेहतर है, अल्लाह बेहतर जानता है किसके लिए किस वक्त कौन सी चीज बेहतर है। तो अगर किसी वजह से किसी का निकाह नहीं हुआ, उम्र तवील हो चुकी, तो ये ना सोचे कि जब कोई चारा नहीं तो हम अपने ईमान को भी खत्म कर डाले और अपनी जिंदगी को ऐसे शख्स के हाथ में डाल दे जो वाकई में हमारा दुश्मन है, जो हमसे सिर्फ फायदा उठाने के लिए शादी कर रहा हो या उसके अपने जाती मफाद के लिए वो हमसे शादी कर रहा हो। बहुत मुमकिन ही नहीं बल्कि ऐसा हो रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है इस चीज का खास ख्याल रखें
अल्लाह ताला सबके ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।